हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया, तो आज की वीडियो में हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो पांच ये मल्टी में हम फंदे लेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा लेंगे जो डिज़ाइन को बराबर करेगा, और दो फंदे हम एस्टिच के लिए लेंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा 8 रो में बनेगा इतना। फिर उसी 8 रो को रिपीट करते हुए बनाते जाएंगे, और बैक साइड से ये ऐसे बनेगा। इसे आप जैकेट, कार्डिगन, स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो इस डिज़ाइन को बनाना हम शुरू करते हैं। तो मैंने ये 5 के मल्टी में फंदे लिए हैं, एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा लिया है डिज़ाइन को बराबर करने के लिए, और दो फंदे मैंने लिए हैं एस्टिच के। आप जब भी डिज़ाइन बनाओ, स्वेटर, जैकेट, किसी पे भी प्रोजेक्ट पे अगर अपना आप डिज़ाइन बना रहे हैं, तो इस डिज़ाइन के लिए आप 5 के मल्टी में फंदे ले लें, एक एक्स्ट्रा फंदा ले लें ताकि डिज़ाइन को बराबर कर सके, और दो फंदे एज स्टिच के हो जाएंगे। तो पहले 5 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। एक फंदा एस्टिच का, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे हो गए, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, 5 फंदे हमारे उल्टे हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 उल्टे, 1 2 3 4 5 सीधे, फिर 5 उल्टे, 1 2 3 4 5 उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, 5 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा दूसरी तरफ, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 ये 5, लास्ट का फंदा हमारा उल्टा। और लास्ट का फंदा भी हम उल्टा हाँ बना लेंगे, एस्टिच का चाहे सीधा बना लो चाहे उल्टा बना लो, वो आपकी मर्जी है। तो लास्ट में हमारे फंदे 5 सीधे बने हैं, एक उल्टा फंदा बना है। तो जैसे फंदे हमें उल्टी साइड में दिखेंगे वैसे ही बना लेंगे। तो पहला एस्टिच का और लास्ट का फंदा, ये आप देख रहे हैं सीधा दिख रहा है, तो इसे हम सीधा बना लेंगे। तो ये उल्टे दिख रहे हैं 5 फंदे, एक दो तीन चार पाँच, 5 फंदे उल्टे, फिर ये 5 फंदे सीधे दिख रहे हैं, तो 5 सीधे बना लेंगे। जैसे उल्टी सिलाई में हमें जैसे फंदे दिखेंगे हमें वैसे ही बना लेने हैं। तो ये पूरी सिलाई बनाकर फिर मैं आपको तीसरी सिलाई पे बताती हूँ। ये उल्टी सिलाई पूरी बना लूँ तो हम तीसरी सिलाई पे आ गए हैं। तो तीसरी सिलाई भी हमारी पहली सिलाई की तरह ही बनेगी। 5 फंदे पहले उल्टे बना लेंगे, पांच सीधे, फिर 5 उल्टे, 1 2 3 4 5, फिर 5 सीधे, 1 2 3 4 5, सीधे धागा अपनी तरफ, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा दूसरी तरफ, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा लास्ट में ये उल्टा, और धागा अपनी तरफ कर दूसरी तरफ कर लो, ये एस्टिच का सीधा बना देंगे। तो उल्टी सिलाई बनाकर फिर मैं आपको पांचवी सिलाई पे बताती हूँ। तो हम अब पांचवी रो पे आ गए हैं। तो पांचवी रो हमारी कैसी बनेगी मैं आपको बता देती हूँ। पहला फंदा एस्टिच का उठा लेंगे,
उसके बाद एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब हमारे यहाँ पे पांच फंदे उल्टे थे, एक फंदा हमने सीधा बुन लिया और चार फंदे हमारे यहाँ पे, सॉरी उल्टा बुन लिया हमने एक फंदा, पांच फंदे हमारे उल्टे थे, एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब इन चार फंदों के ऊपर, उल्टों के ऊपर हमने सीधा बुनना है और एक सीधे फंदे के ऊपर एक उल्टा फंदा बुनना हमें अब ऐसे बनाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, एक फंदा एच स्टिच का हमने बना लिया, एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब चार फंदे हमारे उल्टे बचे हैं, इन्हें चारों पे सीधे बना लेंगे, एक दो तीन चार, और एक सीधे के ऊपर भी सीधा बना लेंगे। अब हमारे पास एक एच स्टिच का एक उल्टा फंदा, एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे हमने सीधे उल्टे के ऊपर हमने पांच फंदे सीधे बना लिए, धागा अपनी तरफ। अब हमारे यहाँ पे बचे हैं एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे और एक उल्टा फंदा, इसके ऊपर पांच फंदे हमने, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, सीधे के ऊपर हमने उल्टे बनाने हैं, एक दो तीन चार, और एक उल्टे के ऊपर पांच, पांच फंदे हो गए, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब चार फंदे उल्टे बचे हैं, इन के ऊपर चार सीधे फंदे बनाएंगे, एक सीधे के ऊपर सीधा फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार, और एक सीधे के ऊपर बनाएंगे, पांच फंदे सीधे हो गए, चार फंदे उल्टे के ऊपर सीधे बनाए हैं, एक सीधे फंदे के ऊपर हमने सीधा फंदा बनाया, तो पांच फंदे हमारे ये सीधे हो गए, धागा ऊपर कर लेंगे। अब चार सीधे फंदे, इसके ऊपर चार फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार पांच, धागा दूसरी तरफ, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार, ये पांच, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब चार फंदे सीधे बचे हैं, इनके ऊपर चार फंदे उल्टे बना लेंगे और एक फंदा जो लास्ट में हम ये उल्टा बनाया था, इसके ऊपर उल्टा बना लेंगे, तो पांच फंदे उल्टे हो जाएंगे, एक दो तीन चार, और ये पांच, लास्ट का एस स्टिच, उल्टी सिलाई जैसे हमें दिखेगी छठी वैसे ही बना लेंगे। तो फिर मैं सातवीं सिलाई पे बताती हूँ आपको डिजाइन आगे। तो जैसे पांचवी सिलाई बनाई थी वैसे ही सातवीं सिलाई बनाएंगे। पहला फंदा एस स्टिच का, धागा अपनी तरफ, पहला फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, पांच फंदे सीधे बना लेंगे, एक दो तीन चार, और ये पांच, पांच फंदे हमारे उल्टे बन जाएंगे, दो तीन चार, और ये पांच, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार, और ये पांच, धागा अपनी तरफ, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, ये पांच, धागा दूसरी तरफ सीधा, एक दो तीन चार, और ये पांच, सीधे धागा अपनी तरफ, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, लास्ट का एस स्टिच का। आठवीं सिलाई उल्टी बनाकर फिर मैं आपको आगे बताती हूँ।
तो 8 सिलाइयों में हमारा डिजाइन ऐसे बनेगा। तो थोड़ा सा डिजाइन बनाकर मैं आपको फिर आगे बताती हूँ। तो ये डिजाइन हमारा ऐसे बन जाएगा। जैसे जैसे 8 सिलाइयों को हम रिपीट करते जाएंगे, अब ये हमारी 16 सिलाई हो गई है, तो ऐसे ये डिजाइन ऐसे बनेगा। तो ये डिजाइन आपको कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।